बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल प्रोग्राम लेकर आया हूँ। स्पायरल कर्व कैलकुलेशन के मुतालिक है। आप PI डेटा के हिसाब से LS1 LS2 इसके अंदर देंगे तो ये आपके नीचे सारी कैलकुलेशन हो जाएगी, जिसके अंदर आपने बिगनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट जिस स्टार्ट हो रहा है, और जो आपकी सेंटर के अंदर जो आपकी स्पायरल कर्व आ रही है आपने उसका स्टेशन PI स्टेशन PI की ईस्टिंग PI की नॉर्थिंग आपने दे देनी है, रेडियस आपने दे देना है LS1 LS2, और इसी तरीके से एंड ऑफ स्टेशन आपने इधर इनपुट कर देना है, उसकी ईस्टिंग और नॉर्थिंग आपने इधर दे देनी है। तो आपने जस्ट ये डेटा इनपुट करना है तो नीचे ये आपकी सारी कैलकुलेशन स्पायरल कर्व की हो जाएगी सारी आपकी, कि आपके पास बेरिंग 1 बेरिंग 2 कितनी है, कि आपका PI स्टेशन कितना आएगा, और इसी तरीके से स्पायरल का जो स्टेशन है TS स्टेशन आपका किधर से स्टार्ट हो रहा है, उसकी ईस्टिंग नॉर्थिंग, SC स्टेशन उसकी ईस्टिंग नॉर्थिंग, इसी तरह CS स्टेशन उसकी ईस्टिंग नॉर्थिंग, और ST स्टेशन उसकी ईस्टिंग नॉर्थिंग, सारा कुछ आपके पास इधर आ जाएगा। और नीचे आएंगे तो आप ये देखेंगे स्पायरल इन के ऊपर जो आपके पास इधर एलिमेंट्स हैं सारे, LS1 आपके पास कितनी है, PT XY EK ALS ST LT और SP शॉर्ट, ये सारे ये आपके सामने इसकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली आपके सामने कैलकुलेट हो जाएंगी। दरमियान के अंदर आपके पास इधर सब कैलकुलेशन एलिमेंट्स वगैरह सारे इधर उसकी डिटेल वगैरह सारी आ जाएगी। ये जो उसकी हमारी कर्व होगी हॉरिजॉन्टल कर्व, उसका डिफ्लेक्शन एंगल, कर्व की डायरेक्शन, उसके बाद TL टेंजेंट लेंथ, LC एपेक्स डिस्टेंस, CL और MO, ये हमारे सेंटर में आ जाएगा, और उसके बाद स्पायरल आउट दोनों आ जाएंगे। अगर आपके पास सेम टू सेम लेंथ के ऊपर हैं तो ये आपके पास सेम टू सेम आएंगी, और अगर आपके पास LS1 और LS2 ये जो आपके पास है इधर आप इसको अलग अलग वैल्यूज के ऊपर देंगे तो ये आपके दोनों इधर से चेंज हो जाएंगे। तो ये आपने ये एक बहुत यूज़फुल प्रोग्राम है सारा। आप इस प्रोग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूँगा, जिससे देख के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इनपुट स्टेशन इंटरवल, स्टेशन आप इंटरवल जितना भी रखना चाहते हैं, आप इधर 100 मीटर रखना चाहते हैं तो आप 100 मीटर का दे दें तो ये आपके पास सामने इधर 100 मीटर्स के ऊपर RD आ जाएंगी, और इधर से आपका TS जिधर से स्टार्ट हो रहा होगा और जिधर से आप एंड हो रहा होगा वो एरिया आपके पास इधर हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद SC जो सर्कुलर पोर्शन होगा वो एरिया दरमियान वाला आपके पास हाईलाइट हो जाएगा और इधर डिस्क्रिप्शन उसके सामने आ जाएगी, और इसी तरीके से CS जिधर से स्टार्ट हो रहा है और ST जिधर तक एंड हो रहा है तो ये पोर्शन आपके सामने इधर आ जाएगा। उसके बाद ये नॉर्मल कैम्बर होगा आपका, तो वो पूरी की पूरी डिटेल सारी इधर आपकी उसके पास आ जाएगी। तो इधर से आपने स्टेशन इंटरवल जो भी है आपने देना है, और उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट्स इधर हमारे पास इधर आ जाएंगे। तो ये पूरा फार्मूला बना हुआ है, कंप्लीट शीट है, एक ही शीट है इसके अंदर, और कोई शीट्स नहीं है, सारी वर्किंग सारे फार्मूलाज वगैरह इसके अंदर लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। इसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना, डिस्टर्ब करना है तो आपने इसको सेव एज करके करना है, या आपने कोई प्रोग्राम आपका डिस्टर्ब हो जाता है तो आप मेरे प्रोग्राम के अंदर आके मेरे चैनल के अंदर आके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने इधर ऑफसेट दे देना है, अगर आपके पास लेफ्ट ऑफसेट अपने माइनस के अंदर देना है 25 का तो आप इधर से दे दें, इसी तरीके से राइट ऑफसेट भी आप इधर 25 का देना चाहते हैं तो आप इसकी वैल्यू दे दें तो ये आपके पास सेंटर लाइन और ये राइट और लेफ्ट साइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सारे इधर आपके सामने आ जाएंगे कर्व की डायरेक्शंस के हिसाब से, कि कर्व की जो लोकेशन जा रही है वो आपकी किस तरीके से जा रही है। तो आपने ये इस प्रोग्राम का ये इसी तरीके से इनपुट करेगा, बहुत यूजफुल प्रोग्राम है, सारे कोऑर्डिनेट्स वगैरह आपको वन क्लिक के अंदर इधर कैलकुलेट कर देगा। आपने जस्ट इधर से स्टेशन BOP स्टेशन और वर्टिकल कर्व हॉरिजॉन्टल कर्व जो स्पायरल कर्व आपके पास है वो आपने देनी है और एंड वाला पोर्शन आपने देना है। तो इधर से आपने कैसे देना है ये आप ये देख सकते हैं कि ये आप हमारे पास सॉफ्ट कॉपी की शेप के अंदर ये हमारे पास स्पायरल कर्व है, जिसके अंदर इधर हमारे पास PI स्टेशन आएगा, उसकी नॉर्थिंग है, ईस्टिंग है, डिफ्लेक्शन एंगल, स्पायरल इन और स्पायरल आउट की वैल्यू इधर दी गई, जिसके अंदर ये हमारे पास इसकी लेंथ 250 है, L आप देख रहे हैं L 250, और दूसरी साइड के ऊपर जो स्पायरल की लेंथ है वो 200 मीटर है। तो आपने इसको इसी तरीके से इस पोर्शन को देना है। तो आपने देना कैसे है, जैसे आपने बिगनिंग ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाना है, इधर आप ये देख रहे हैं BOP स्टेशन है 00, आपने यही वैल्यू इधर दे देनी है। जैसे मैं इसको ख़त्म करता हूँ डेटा को सारे, और एक दफ़ा आपको इधर इनपुट करके बता देता हूँ आपने डेटा आपने इनपुट कैसे करना है। तो आपने इधर बिगनिंग ऑफ स्टेशन, आप बिगनिंग ऑफ स्टेशन भी दे सकते हैं, और इधर अपना PC पॉइंट भी अपना आप इनपुट कर सकते हैं, और इधर अपना PI पॉइंट भी आप दे सकते हैं। तो बिगनिंग ऑफ पॉइंट जो भी होगा वो आपने इधर दे देना है, जस्ट वर्टिकल कर्व को
आपने कैलकुलेशन करनी है उसका। अगर आपने पी आई स्टेशन, पी आई स्टिंग, नर्थिंग रेडियस, LS1 LS2 LS1 लेंथ ऑफ सर्कुलर जो होगी हमारी वो आएगी दोनों साइडों के ऊपर। इसी तरह एंड ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर आपने स्टेशन दे देना है और उसकी स्टिंग और नर्थिंग आपने दे देनी है। तो ये अभी ड्राइंग के ऊपर मैं आ जाता हूँ इधर, तो आपको बताता हूँ। आपने अपनी ड्राइंग के ऊपर आ जाना है, तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास इधर बिगनिंग ऑफ स्टेशन होएगा BOP। आपके पास इधर से भी आप ले सकते हैं, और आप PI स्टेशन अगर आप आगे वाले कर आपको देना चाहते हैं तो आप ये वाला पॉइंट भी ले सकते हैं। तो हम ये वाला पॉइंट लेंगे 00 उसकी RD है और इसकी स्ट्रिंग है 4482888.75। तो आपने इधर इसी तरीके से आ जाना है, इधर 0 आपने इनपुट कर देना है इसका और उसकी स्ट्रिंग 4482888.747। उसके बाद इसकी नर्थिंग वैल्यू, नर्थिंग की वैल्यू हमारे पास है 1435877.55। आपने इसकी इसी तरीके से इसकी वैल्यू 1435877.552 इनपुट कर देना है। यह हमारा पहला बिगनिंग ऑफ स्टेशन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कर्व का स्टेशन, कर्व का स्टेशन के ऊपर आपने इधर आ जाना है। जो मेन कर्व हमने इधर से कैलकुलेट करनी है उसके ऊपर आपने आ जाना है। उसका PI स्टेशन, ईस्टिंग, नर्थिंग और रेडियस देना है हमने। तो PI स्टेशन हमारे पास 3+8 3+8 36.79। तो ये आपने इधर इसको इनपुट कर देना है इधर 3836.79। उसके बाद इसी पॉइंट की स्ट्रिंग हमारे पास है 4541298.78। तो आपने उसकी स्ट्रिंग इधर दे देनी है 4512987.76। और इसी तरह उसकी पॉइंट की नॉर्थिंग हमारे पास है 1433.98.33। तो आपने इधर उसकी स्ट्रिंग दे देनी है 1433498.33। उसके बाद रेडियस आपने दे देना है, रेडियस से हमारे पास इसका रेडियस है 35,000। आपने इधर इसका रेडियस 35,000 इनपुट कर देना है। LS1 LS2 जो इन वाली साइड के ऊपर होगी वो हमारी LS1 कहलाएगी, जो आउटर वाली साइड के ऊपर होगी वो हमारी LS2 कहलाएगी। तो LS1 है हमारे पास 250 और LS2 है हमारे पास 200। तो आपने इधर से इसी तरह 250 और इधर आपने 200 दे देना है। तो ये आपका कर्व का डेटा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एंड ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर आप ये देख रहे हैं कि इधर हमारे पास आप इधर से ये जो हमारे पास ST स्टेशन है इसे इसका स्टेशन भी आप दे सकते हैं और साथ इसकी नॉर्थिंग ईस्टिंग भी आप देंगे। और इधर से आप नेक्स्ट जो कर्व जा रही है आपके पास, ये हमारे पास नेक्स्ट कर्व आ रही है, इस कर्व का आपने इधर से इसका भी TS जो स्टेशन होएगा इधर इधर तक का आप स्टेशन भी दे सकते हैं, उसकी स्टिंग नर्थिंग दे सकते हैं। इससे आगे हमारी अलग कर्व स्टार्ट हो रही है, तो इससे पीछे पीछे ही हमारी कैलकुलेशन रहनी है। अगर हमारे पास TS के कोऑर्डिनेट्स वगैरह नहीं है तो आपने इसके ये कोऑर्डिनेट्स जो नेक्स्ट हमारी PI है उसके कोऑर्डिनेट्स आपने इधर दे देने हैं। तो ये आप देख रहे हैं 8+8 77.48 है, तो आपने इधर इसी तरीके से 8+8 77.485 उसका स्टेशन आपने दे देना है। और इसी तरीके से आपने उसी के ऊपर इसके नर्थिंग स्टिंग और नर्थिंग दे देनी है 4500028.35 4500028.35। और इसी तरीके से उसकी जो हमारे पास नर्थिंग है वो आपने दे देनी है 1428116.943। तो आपने इसको इधर वैल्यू के इधर इनपुट पुट अप कर देना है 1428116.943। तो ये हमारे पास इनपुट डेटा कंप्लीट हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं दरमियान वाले कर्व का डेटा हमने इसके अंदर इनपुट किया है, इस वाली पोर्शन के अंदर से ये वाली कर्व है हमारी। इस कर्व के साथ आप नीचे आएंगे तो इधर कंप्लीट डेटा हमारा इधर बना हुआ होगा, जिसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि TS स्टेशन है, SC स्टेशन, उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट्स उधर प्लान के ऊपर आ रहे होंगे और इधर से CS स्टेशन और ST स्टेशन सारा कोई नीचे आ रहा होगा। तो ये TS स्टेशन हमारे पास 1483.626 आप इधर से देख सकते हैं, इधर से 1483.633 और इसी तरीके से SC स्टेशन है 1733.63, ये मेरे पास है 1733.63। और इसी तरह आगे उसके स्टिंग और नर्थिंग के कोऑर्डिनेट, इसी तरह आगे CS स्टेशन के स्टेशन स्टिंग नर्थिंग और ST स्टेशन और नर्थिंग, इधर ये बेरिंग 1 बेरिंग 2 इधर हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद आप नीचे आते हैं, स्पायरल कर्व LS1 LS2 एंड सर्कुलर कर्व एलिमेंट की कैलकुलेशन इधर हुई हुई है। स्पायरल इन
आपके पास सर्कुलर कर्व उसके बाद, और इसी तरह आपके पास स्पायरल आउट, तो जो इसके एलिमेंट्स वगैरह हैं सारे की कैलकुलेशन इधर हुई हुई है। ये इस रैंक के हिसाब से आप देख सकते हैं इधर पूरी सेम टू सेम, इसमें एलिमेंट्स के सिर्फ ऊपर नीचे उसकी डायरेक्शन का फ़र्क होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स इसी तरीके से हैं। तो स्पायरल इन, उसके बाद सर्कुलर, और उसके बाद स्पायरल आउट हमारे पास। तो ये आप स्पायरल इन, उसके बाद सर्कुलर, और उसके बाद स्पायरल आउट, और उनके टी एल एल सी, और इसी तरह एक्स वाई जेड पूरी कैलकुलेशन इधर आपके सामने इधर मौजूद है, कैलकुलेट हुई हुई है। तो आप नीचे आ जाते हैं तो अभी आपने इधर से जस्ट स्टेशन अपना देना है, जितने जितने डिस्टेंस के ऊपर आपने देना है, तो ये आपके इधर कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, लेफ्ट साइड कोऑर्डिनेट्स सेंटर लाइन के और राइट साइड के कोऑर्डिनेट्स सारे आपके इन आर डी के गेस्ट इधर सामने सारे आपके पास आ जाएंगे। इधर आपके ऊपर पी एस एस सी स्टेशन और इनके कलर्स वगैरह भी इधर से चेंज हो जाएंगे आपकी आर डीज के, जिधर आपके पास सी एस है और उसके बाद एस टी है, तो इनके पोर्शन के इसी तरीके से इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। और आगे आपके पास पूरा टेंजेंट लाइन तक जिधर तक आपकी कैलकुलेशन जाएगी उधर तक के ये पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट्स आपको इधर कैलकुलेट कर देगा। इधर से आप इसके राइट साइड के ऊपर जितने कोऑर्डिनेट देना चाहते हैं वो आपने लेफ्ट साइड के ऊपर वो आपने माइनस के ऊपर देने हैं, और जो राइट साइड के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स आपने देने हैं वो आपने इधर से इसी तरीके से प्लस के अंदर देने हैं। तो इधर से आप स्टेशन इंटरवल 10 मीटर का कर दें, 10 मीटर के ऊपर आपको ये कैलकुलेट कर देगा सारे पॉइंट्स। आपने इधर 5 मीटर के ऊपर करने हैं तो 5 मीटर्स के ऊपर, और इसी तरीके से 1 मीटर के ऊपर तो 1 मीटर्स के ऊपर ये पूरी कैलकुलेशन सारे कोऑर्डिनेट्स की आपकी हो जाएगी। तो आपने इसको प्रोग्राम को जितने जितने डिस्टेंस के ऊपर आपको चाहिए उतना उतना डिस्टेंस आप लिखें, ऑफसेट आपको जितने जितने चाहिए उतना उतना ऑफसेट आप लिख के इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और जैसे कॉपी करके अलहदा शीट के ऊपर रख के और जैसे प्रिंट निकाल सकते हैं इसका। इसके बाद नेक्स्ट थोड़ी सी मैं ब्रीफिंग आपको और दे दूँ कि अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो नेक्स्ट ब्रीफिंग ये है कि अगर आपके पास इधर दरमियान में कोई कर्व वाला पोर्शन आती है, हमारे पास आप देख रहे हैं जिस तरह के ये सेकंड शीट के ऊपर ये हमारी कर्व है, और इससे पीछे बिगनिंग ऑफ स्टेशन हमारे पास ये है, बी ओ पी हमारे पास ये है, तो हमने इसके अंदर ये नहीं देना, हमने उसके अंदर ये वाले कोऑर्डिनेट्स देने हैं। इस वाले जो पहली कर्व के कोऑर्डिनेट्स आए थे जो हमारे पास इधर सेंटर के अंदर कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये हमने देने, तो आपने उसका पॉइंट नंबर उसकी ईस्टिंग नॉर्थिंग ये मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ, आपने इसी तरीके से उसके अंदर इधर लगा देने, ये पॉइंट्स हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी कर्व थी, आप नेक्स्ट शीट के ऊपर आते हैं तो ये हमारे पास जो कर्व आ रही थी सेकंड शीट के ऊपर ये वाली कर्व, ये हमने उधर ई ओ पी के हिसाब से हमने ली थी, तो हमारे पास जो ई ओ पी के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इसी कर्व के हैं। तो आपने इधर से इसको इसी तरीके से कॉपी करना है, कॉपी मैं कर देता हूँ, आपने अपनी ड्राइंग के हिसाब से देख के उधर लिखना है। उसके बाद इसका जो रेडियस आ रहा है कर्व का वो आपने इधर दे देना है, इसका रेडियस है 3000, एलएस 300, एलएस 1 और एलएस 2 है 200। तो आपने इधर से इस तरीके से इसका रेडियस 3000 आपने चेंज कर देना है, एलएस 2 हमारे पास 300 है और एलएस 2 हमारे पास 250 है, तो आपने इधर इसी तरीके से दे देना है। इसके बाद आगे एंड वाले पॉइंट के ऊपर आपने इसी तरीके से उसके कोऑर्डिनेट्स को दोबारा इनपुट करना है, जो कि आपके पास अगर इधर आगे वर्टिकल कर्व है तो हॉरिजॉन्टल कर्व है तो आपने उसके कोऑर्डिनेट्स दे देने हैं। अगर आपके पास इधर पीसीस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं तो आपने वो दे देने हैं, और अगर आपके पास डायरेक्ट ई ओ पी है कोई बीच में कर्व वगैरह नहीं है तो आपने ये वाला पॉइंट दे देना है 18+798.34। इसके बाद आपने इसकी स्ट्रिंग दे देनी है, स्ट्रिंग हमारे पास है इसकी 1422718.61। और इसी तरीके से नीचे इसकी जो नॉर्थिंग की वैल्यू है वो आपने इधर दे देनी है 1422718.61। ये आपने कोऑर्डिनेट्स इसी तरह आपने इधर इसके अंदर दे देने इनपुट कर देना, तो ये आगे आपका सारा कैलकुलेशन आपकी ऑटोमेटिकली आगे हो जाएगी। तो आपने ये पूरा का पूरा प्रोग्राम सेम टू सेम ये इसी मेथड के ज़रिए रन करेगा। इसके अंदर आपने जस्ट ऊपर से इस इन पॉइंट्स को देने हैं, तो ये आपके स्पायरल कर्व की जितनी भी कैलकुलेशन होगी सबको ये ऑटोमेटिकली इधर कर देगा। आपकी राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, आपकी एल एस 1 बराबर है, एल एस 2 बराबर है, तो आपने इधर इसी तरीके से दोनों को बराबर है तो बराबर कर देंगे, तो आपके पास इधर जो सेम स्पायरल सेम इधर आएगी वही स्पायरल आपकी इधर आ जाएगी। तो ये आपने डेटा को इसी तरह इनपुट कर देना है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, और मेरे चैनल के अंदर
पर और भी काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मौजूद है जिनको आप देख के और अपना काम बासामी साइट के ऊपर अंजाम दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।